इस देश के मालिक आप लोग हो, हिसाब लो इनसे। ये देश किसी के पाप की जागीर नहीं है। जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। क्या नहीं दिया भगवान ने मध्य प्रदेश को? पहाड़ दिए, घाटियां दी, संगम दिए, नदियां दी। अगर नहीं दिया, बस एक चीज नहीं दी, अच्छे नेता नहीं दिए, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए। वो चूंट चूंट के खा गए, वो चूस चूस के खा गए हैं मध्य प्रदेश को। बीजेपी बोलती रहती है डबल इंजन। भाई साहब, आपको भी डबल इंजन मिला था, कहां गई गाड़ी? गाड़ी तो चली नहीं। डबल इंजन? अरे भाई साहब, एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। शिवराज चौहान जी को के मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं। मामा जी, ये बात अब कब बताने वाले हैं? अब अगले महीने तो आप जाने वाले हैं। चलो जाते जाते बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। ये क्या करेंगे अभी? आपको ना लॉलीपॉप देंगे। ये 4.5 साल 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं। 4.5 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट। देर तक आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ये तो पक्का परिवर्तन की निशानी है। मैंने ये पंजाब में देखी हुई है। भाई साहब, आप सबका स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल। मंच पर आम आदमी पार्टी के दर्जा व दर्जा अहदेदार पदाधिकारी बैठे हैं। हमारे 3 उम्मीदवार कैंडिडेट बैठे हैं। उम्मीदवार क्यों बोला जाता है? उससे उम्मीद होती है लोगों को कि ये कुछ करके दिखाएगा, इसीलिए उसको उम्मीदवार कहा जाता है। तो ये उम्मीदें जो आप त्रिपाठी जी, गुड्डू जी या दिलीप जी पर लगाकर बैठे हो, उन उम्मीदों पर पक्की मोहर लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे आपके यहां भेजा है, मऊगंज में। संदीप पाठक जी बोल रहे थे कि हमें कुछ करना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। बिल्कुल बनता है जी। अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे योद्धा वो भी सोच लेते हमने क्या लेना है, तो फिर आजादी नहीं आनी थी। अभी 22-23 साल की उम्रें थी जब फांसी का रस्सा चूमा। भाई साहब, जिस उम्र में नौजवान अपने बाप से, अपने माता पिता से मोटरसाइकिल मांगते हैं, भगत सिंह जैसे योद्धा उस उम्र में अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश है, इसको छोड़ के चले जाओ, इसके मालिक हम लोग हैं, इस देश के मालिक आप लोग हो, हिसाब लो इनसे। ये देश किसी के पाप की जागीर नहीं है कि उन्होंने ठेका ले रखा है, हम ही आएंगे। 18 साल हो गए भाई साहब, मैं तो अब के सब्र की भी दाद देता हूं यार। कमाल है मध्य प्रदेश वालों, ये दरख्त देख रहा हूं, ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, आप तो इस बार बदल दो, इनको तो बदल दो। पंजाबी में कहते हैं पिप्पल दिया पत्त्या वे, कादी खड़ 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 लाई है, पत्त चढ़ गए पुराने, रुत नवे आंधी आई है, नए पत्तों की बारी आ गई है। ये नए पत्ते हैं हमारे पेड़ के। ये बोल बात बात पे बीजेपी बोलती रहती है डबल इंजन। भाई साहब, आपको भी डबल इंजन मिला था, कहां गई गाड़ी? गाड़ी तो चली नहीं। डबल इंजन? अरे भाई साहब, एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। और केजरीवाल मॉडल एक नया इंजन पहुंच चुका है मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं फैलाता और फटाफट स्पीड है। पंजाब में, दिल्ली में ये मॉडल लोगों ने अपना लिया। पंजाब और दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी,
पटरी पर फटाफट दौड़ रही है। आज 11 तारीख होगी भाई साहब, 17 नवंबर का दिन है, 20 दिन ये, 17 अगले, 37 दिन रह गए, 37 डेज, 37 दिन रह गए। आपके पास एक मौका 17 नवंबर को आएगा, ये आए मौका आमतौर पे पब्लिक को नहीं मिलता जी, 5 साल बाद मिलता है। 5 साल बाद आपको एक मौका मिलेगा, उसमें भी कुछ घंटे हैं, 8 बजे से शाम के 5 बजे तक 9 घंटे अगर जागते हुए 9 घंटे अपने मन की इच्छा के मुताबिक 9 घंटे अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, झाड़ू का बटन दबा दिया, तो ये 9 घंटे इतिहास में लिखे जाएंगे। आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश जब बर्बादी के कगार पर था तब उसको खड़ा किसने किया था, ये लोग थे मऊगंज के, ये लोग थे। आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। पंजाब में 117 सीटें हैं, बांध में सीटें, आम आदमी पार्टी को भी हमारे 25 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के लड़के लड़कियां एमएलए बन गए। एक तो यहीं बैठा है, ये देखो दिनेश खड़ा, दिनेश चड्डा, रोपड़ से, रूपनगर बोलते हैं, रोपड़ से बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के आया है, यंग लड़का है। इस उम्र में कांग्रेस वाले सरपंच की टिकट नहीं देते, बीजेपी वाले ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने बेटे बेटी ही नहीं खत्म होते, इनके रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, साला, जीजा। और आम आदमी पार्टी है जिसने आम लोगों के बेटे बेटियों को टिकटें दी, मंत्री बने विधानसभा में, मैं खुद खड़ा हूं आपके सामने, एक टीचर का बेटा हूं जी, एक गांव, छोटे से गांव में पैदा हुआ, साइकिल पर जाता था, दसवीं तक साइकिल पर गए, उसके बाद बस की छत पर बैठ कॉलेज जाते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस कदर प्यार मिलेगा लोगों का, पर ये आम आदमी पार्टी है जिसने ये मौका दे दिया कि मेरे जैसे लोग भी विधानसभा में जा सकते हैं, या मेरे जैसे लोग भी मुख्यमंत्री बन के देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। इनके तो भाई साहब, मैंने आपको कहा, आपने किसी नेता के बेटे को बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है ना? बेरोजगारी हमारे लिए रखी हुई है भाई साहब। आपने किसी नेता को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हुए देखा है? ना 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 ना, वो टूटे फूटे बेड हमारे लिए रखे हुए हैं भाई, पब्लिक के लिए, अपने लिए तो इनके और प्रबंध होते हैं। ये नहीं चलना चाहिए, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश वालों, मऊगंज वालों, ये आज फैसला कर लो कि आज के बाद हम गांव गांव में जाके, 37 दिन है, और मैं तो मामा जी को पूछना चाहता हूं, शिवराज चौहान जी को, कि मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं। मामा जी ये बात अब कब बताने वाले हैं? अब अगले महीने तो आप जाने वाले हैं, चलो जाते जाते बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आएंगे भाई साहब अच्छे दिनों का, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज मऊगंज की इस पवित्र स्टेज से कह रहा हूं कि बीजेपी वाले अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं नहीं आएंगे, लेकिन केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होने वाली है। ये क्या करेंगे अभी, आपको ना लॉलीपॉप देंगे, ये 4.5 साल 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 3-4 महीने में थोड़ी छूट दे देते हैं, 4.5 साल लूट, आखिरी 3 महीने में छूट, कि 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई महंगा कितना किया था वो तो बता दो। इनके लॉलीपॉप के झांसे में मत आ जाना। एक लड़की का परिवार था, उन्होंने लड़की की शादी करनी थी, अच्छा परिवार था, पैसे वाला परिवार था, उन्होंने लड़की को देने के लिए सामान इकट्ठा किया, टीवी, फ्रिज, बड़े बड़े सोफे,
सोने के गहने, ये अलमारियां, बहुत सामान इकट्ठा किया। जैसे आज रात हो गई, कल सुबह बारात आने वाली थी। सुनना बात ये ध्यान से, रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में सामान पड़ा है। ट्रक लेके आए, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, सामान पूरा ट्रक में भरा। और चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? तो उन्होंने कहा, सरदार इस कमरे में बंद है, खोलो इसको। ताला खोला गया, अंदर जाके लड़की के परिवार को बोला डाकू, उनका सरदार, किस लड़की की शादी है? लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट उसको देके बोला, बेटा मंगलमय हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारी तरफ से आशीर्वाद। अगले दिन पुलिस आ गई, लड़की के परिवार का एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया। वो बोलते रहे, जी लूट के तो भले ही ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया दे गए लड़की को शगन का। ऐसे ही हमारे साथ होता है, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी बार सिलेंडर करते हैं 200 रुपए सस्ता। हम कहते हैं, जी चलो 4.5 साल तो लूट लिया, लेकिन आ जाते जाते ये 200 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया। ऐसे झांसों में मत आना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने मोदी जी बैठे थे, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, सब झूठ चल रहा है। तो इस बार बदलो। अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकाली और वो पार्टी आम आदमी पार्टी, और उसका चुनाव चिन्ह महिलाएं बैठी है बड़ी भारी संख्या में, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, महिलाओं को चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत नहीं आम आदमी पार्टी का। सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती है कहां पड़ा है, सफाई करनी है। केजरीवाल ने सोच के लिया है चुनाव चिन्ह, क्योंकि राजनीति की गंदगी बहुत बढ़ गई थी, सफाई करनी है, सफाई करनी है। इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में तो झाड़ू चल गई, अब मध्य प्रदेश की बारी है। तैयार हो ना, 17 तारीख के लिए तैयार हो, और अपने दोस्तों मित्रों को तैयार करोगे? भाई साहब, अंदर जाके जब झाड़ू वाला बटन दबाओगे, बटन तो और भी होंगे जिनको पहले दबाते रहे हैं, तो बटन किस्मत बदलने वाला होगा। अगर किस्मत बदलनी है मऊगंज वालों, तो बटन बदल लो, ये पंजे और ये कमल के फूल से पीछा छुड़वाओ, झाड़ू वाला बटन दबाओ, त्रिपाठी जैसे, दिलीप जैसे, गुड्डू जैसे लोगों को जिताओ जो कह रहे हैं, आपके बीच में से रहा हूं, आपके बीच में ही रहूंगा, आपके बीच से निकला हूं, आपके बीच में रहूंगा। अपने जैसे लोगों को जिताओ, ये तो बड़े लोग हैं भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर पे आते हैं, ये बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या सपने दिखाते हैं। तो मैं तो यही कहने आज आया हूं आपके पास, 37,000 नौकरियां 1.5 साल में, 37,000 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री, 37,000 डेढ़ साल में। इन्होंने 18 साल में नहीं उतना किया होगा भाई साहब। मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूलों का कायापलट हो रहा है, बिजली के बिल नहीं आते। 1 जुलाई 2022 से आज 11 अक्टूबर 2023 होगी, 1.5 साल हो गया भाई साहब, 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो, और बिजली भी 24 घंटे आती है। इस इलाके में इतना सुंदर इलाका है, अभी मैं रीवा से आया, अभी मैं अतराला से आया हूं, वो सिरमौर विधानसभा, कल मैं गया था चौहाट,
फिर रीवा था कल रात रोड शो, आज आपके पास इतना सुंदर, क्या नहीं दिया भगवान ने मध्य प्रदेश को, पहाड़ दिए, घाटियां दी, संगम दिए, नदियां दी, इस इलाके में कोयला है, इस इलाके में चूना है, इस इलाके में हीरा है, अगर नहीं दिया बस एक चीज नहीं दी, अच्छे नेता नहीं दिए, सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए, वो चूंट चूंट के खा गए, वो चूस चूस के खा गए हैं मध्य प्रदेश को, बचाने वाले आप लोग हो। केजरीवाल की गारंटियां, हम वो चीज कहते नहीं जो पूरी नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी भी गारंटियां बोलने लगे हैं, बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटियां। मैं तो यही कहूंगा, जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। ये गारंटियां नहीं चलेंगी, केजरीवाल वाली गारंटियां अच्छी हैं भाई साहब, वो पूरी होती हैं। आपके बच्चों को शिक्षा, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। मैं तो यही कहने आया हूं कि आप इतनी देर से अंधेरे में नेताओं को और मेरे जैसे लोगों को सुनने के लिए बैठे हो। मैं किस जन्म में ये कर्ज उतारूंगा भाई साहब, अगर मैं लोगों के प्यार का कर्जा उतारना शुरू करूं, हर सांस के बाद भी धन्यवाद कहना शुरू कर दूं, तो भी चार पांच जन्म लगेंगे आपके प्यार का कर्जा उतारने में भाई साहब, जिस कदर आप लोगों ने प्यार दिया है। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, दो चार दिनों में, दस दिनों में आपको इनके सभी के पतन का भी नंबर पता चल जाएगा, पहले नंबर पर आया या दूसरे नंबर पर आया, तीसरे पर। भाई साहब पतन जो मर्जी नंबर पर हो, लेकिन 3 दिसंबर को आना पहले नंबर पर है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा भर के सीटें आएंगी, भर के मध्य प्रदेश से। कहते आप किसी सर्वे में नहीं आते, मैंने कहा आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, सरकार भी आती है, हम तो सरकार में ही आते हैं भाई साहब। तो इसलिए मैं कहने आया हूं, जब भी बुलाओगे दोबारा वापस आऊंगा। जब त्रिपाठी जी जीत गए, हमारे कैंडिडेट जीत गए, तो धन्यवाद करने के लिए भी आऊंगा, क्योंकि आपका एहसान रहेगा मेरे पर। मैं भी ये सोचूंगा, मैं गया था तो इसलिए मेरा मान सम्मान रखा है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे।